चलो दोस्तों, हमारे जो भी भाई मकान बनवाने वाले हैं या फिर बनवा रहे हैं या फिर जो बालू गिट्टी मोरंग का व्यापार कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, ऐसे लोगों को ट्रक या ट्राली में बालू गिट्टी मोरंग की माप शुद्धता के साथ कैसे की जाती है और इसमें फ्रॉड कैसे होता है, उससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझें कि मार्केट में जो बिक्री होती है गिट्टी बालू मोरंग की, वो फिट के हिसाब से होती है, यानी कि इतने फिट की वैल्यू इतने रुपए, कहीं 70 रुपए, कहीं 80 रुपए। अब आप समझेंगे कि जो ट्राली होती है दोस्तों, उसको कैसे हम नापेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास एक ट्राली है और इस ट्राली में आप जानते हैं कि ट्राली में तीन चीजें होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई और दूसरी ऊंचाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी यहाँ पर ट्राली को मापेंगे तो कभी भी इसके बाहरी पार्ट से नहीं नापेंगे, क्योंकि बाहरी पार्ट से जब नापेंगे तो इंच में कुछ अधिकता आ जाएगी और जिससे आपको माल कम मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों, इसको इसके इंटरनल पार्ट से मापेंगे और चौड़ाई भी ऐसे, और गहराई चूंकि आप मापने के लिए इसमें कोई माल भरा हुआ होगा, इसलिए आप क्या करेंगे, इसमें कोई सरिया डालकर इसकी गहराई को माप लेंगे और इस तरीके से एक्यूरेट और शुद्ध इसका, यानी कि इसके अंदर कितना माल भरा हुआ है, ये आप जान पाएंगे। तो दोस्तों, आपको इसी तरीके से इसके इंटरनल पार्ट से ही नापना है, क्योंकि अगर बाहर नापेंगे तो इंच में कुछ अधिकता आ जाएगी। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ट्राली है जिसकी लंबाई है 11 फीट 10 इंच, चौड़ाई है 5 फीट 8 इंच, ऊंचाई है 2 फीट 2 इंच। अब इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसे एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, चूंकि ये फिट में है, इसको इंच में करेंगे, तो आप जानते हैं कि 1 फुट में 12 इंच होता है, तो चूंकि 11 फुट है तो 11 गुणे 12, तो 11 बराबर 132 प्लस 10 इंच और है, तो ये कितना बन गया, 142 इंच। इसी तरीके से आपकी जो चौड़ाई है 5 फीट है, तो 12 25 60 और 8, ये आपका 68 इंच आपकी चौड़ाई हो गई। इसी प्रकार से ऊंचाई यानी कि गहराई जो ट्राली की होगी, 12 गुना 24 और 2 26 इंच आपकी बन गई। अब आपने इसे एक यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब आप जानते हैं कि जो दोस्तों ट्राली होती है, अब इसके आकार को समझते हैं। ट्राली की जो आकार होती है वो घनाप के आकार का होता है। घनाप किसे कहते हैं, जिनमें तीन चीजें होती है, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है तब हम उसे घनाभ के आकार की वस्तु कहते हैं। तो ट्राली भी एक घनाभ के आकार की वस्तु है। और घनाभ का आयतन निकालने के लिए, आयतन किसे कहते हैं, यानी कि उस ट्राली के अंदर कितना माल भरा हुआ है या किसी गिलास में पानी है, उसे भी हम आयतन कहेंगे। तो उस ट्राली के अंदर कितना माल भरा हुआ है उसे ही हम आयतन कहते हैं, यानी कि घनाभ का आयतन, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राली का आयतन। चूंकि इसकी लंबाई 142 इंच, चौड़ाई है 68 इंच और इसकी ऊंचाई है 26 इंच, तो अब ये क्या बन गया, जब इसको हमने इसे गुणा कर दिया तो ये हो गया घन इंच। घन इंच क्यों हुआ, क्योंकि तीन बार है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जब तीन चीजें होती हैं तो वहां पर उसका माप घन इंच पर हो जाता है। वही क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग में निकाला जाता है, वर्ग इंच। अब यहां पर क्या हो गया कि इतना हो गया आपका। अब इसको हम गुणा करेंगे और जब हम गुणा करेंगे तो 2,51,056 आ गया। अब आप जानते हैं कि मार्केट में जो इसकी बिक्री होती है किसकी, बालू गिट्टी मोरंग की, फिट के हिसाब से होती है। तो हम इसे फिट में कन्वर्ट कर चुकी है, इंच में है, इसे फिट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 12 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं कि सब इंच में है। तो दोस्तों, यहां पर लंबाई है और लंबाई को यहां पर इंच में बदलने के लिए, चूंकि ये 142, इसको यानी कि फुट में बदलने के लिए 12 से हम भाग कर देंगे। उसी प्रकार से चौड़ाई भी इंच में है तो इसे भी 12 से भाग करेंगे, ऐसे ऊंचाई भी इसे भी 12 से भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12, और 12 को 12 से तीन बार जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1728, और ये 1728 से जब हमने इसे भाग किया तो ये बन गया आपका घन फीट। तो अब जब इसे हम 2,51,056 को 1728 से डिवाइड करेंगे, वो आपका आएगा 145.28 घन फीट। यानी कि घन फीट किसे कहेंगे, यानी कि उस ट्राली के अंदर 145.28 घन फीट माल भरा हुआ है।
तो अब आपने ये निकाल लिया, ये आपका प्रोसेस है कि 145 घन फीट की वो ट्राली है। अब आप मार्केट में जाकर उसकी वैल्यू पूछेंगे तो वो विक्रेता आपको बताएगा कि 80 के हिसाब से या जहां भी जो जैसा रेट चल रहा हो 80 के हिसाब से हमारे यहाँ एक घन फीट की वैल्यू है, एक फीट जिसे नॉर्मली हम फीट बोलते हैं लेकिन गणितीय भाषा में जो लिखित होता है उसे हम घन फीट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 145 घन फीट, चूंकि एक घन फीट की वैल्यू कितनी है 80 रुपए मार्केट में चल रही है, तो 145 गुणा कर देंगे ये आपका आ जाएगा 11,622 रुपए 96 पैसे। तो ये आपका आ गया। अब दोस्तों आपके साथ धोखाधड़ी कैसे होती है ये आप समझ लें, यानी कि धोखाधड़ी ऐसे होती है कि जब इस ट्राली को यहाँ पर बाहर पार्ट से नापते हैं तो क्या करते हैं कि 2 इंच मान लीजिए कि लंबाई में बढ़ा दिया, 2 इंच चौड़ाई में बढ़ा दिया और 1 इंच आपकी ऊंचाई में बढ़ा दिया। अगर वो इतना बढ़ाएंगे तो हमारे पास एक कैलकुलेटर डाटा इसका हमने तैयार किया है कि अगर वो 2-2 इंच आप इसका घटा के अगर बढ़ा दें नाप लें तो उनका लगभग आ जाएगा 133, यानी कि 133 घन फीट आपको माल देंगे। 133 घन फीट माल देने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि अगर 2-2 इंच घटा देते हैं 133 बन जाएगा, अगर 2-2 इंच घटाते हैं तब इतना आ जाएगा, तो आपका कितना माल कम हुआ 145 और 133 कितना फर्क है 12 घन फीट और 1 घन फीट की वैल्यू कितनी है 80, तो 12 घन फीट की वैल्यू 12 96, यानी कि आपके घर पर जो माल पहुंचाया गया 960 रुपए का कम पहुंचाया गया और ये 960 रुपए आपके साथ घपलेबाजी हो गई। और ये कहां से हुई इसको नाप में कर देते हैं, इसलिए अगर आप अब तरीका जान चुके हैं कि किस तरीके से सही से नापते हैं तो आप आसानी से धोखाधड़ी से बच सकते हैं।